तो यार कैसे हो तुम लोग, मैं चुके कौन ही जबरदस्त वीडियो के साथ में। आज मेरे पास काफी तगड़ी तगड़ी न्यूज है, तो एंड तक बने रहना, कभी मजा आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। अब जो पहली न्यूज आ रही है कैरी मिनाटी के रिलेटेड। अब तुम लोगों को पता है कुछ दिन पहले केआरके ने यहाँ पे कैरी मिनाटी को रोज करा था और आशीष चंचलानी को भी रोज किया था, लेकिन यूट्यूब ने यहाँ पे दोनों वीडियो जो केआरके की थी वो डिलीट कर दी थी। एंड इसके ऊपर फाइनली यहाँ पे कैरी मिनाटी रिएक्ट करते हैं एंड देखो क्या ही बोलते हैं। What's your policy @YouTube? Is it changed with each and every video in person? Carrie Minati's each video is abusing people. There are hundreds of videos people talking bad about me, but you don't delete. When I roast your big YouTubers, so you remove videos. Why? सही बात है यार, जब जब एक चीज है जिसपे तुम डाल रहे हो जो भी डर, मतलब कोई भी चीज है, एक बच्चा ही समझ लो, वो बच्चा भी हो गया, ठीक है। जब वो बच्चा बकचोदी करता है तो वो 13 हो जाता है, ठीक है, 13 बच्चा। और जब तरक्की करता है, बढ़िया करता है, तो मेरा बच्चा हो जाता है। तो अभी ये अभी हम व्हेन आई रोस्टेड योर बिग यूट्यूबर्स हो गया है। बहुत सही है यार, बहुत सही है इसकी। तो यार वैसे भी इस पे अवॉइड ही करो बनाना, तो बेटर है, क्योंकि वो भी डिलीट ही हो जाएगी फॉर सम रीजन। आई डोंट, कुछ तो इसका भी लफड़ा है यूट्यूब के साथ, आई डोंट। अब चलो बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अब अगली जो स्टोरी आ रही है वो एमी वे बंटा है रिलेटेड। अब तुम लोगों को पता ही होगी एमी वे और रफ्तार के यहाँ पे कुछ साल पहले काफी तगड़ी लड़ाई हो गई थी, एंड उसी की वजह से यहाँ पे काफी हाइप बन गई थी। एंड यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसी हाइप की वजह से यहाँ पे एमी वे बंटाई को इतना ज्यादा फेम मिला। एंड यहाँ पे जब वो कल लाइव कर रहे थे तो उनका एक फैन भी आके इनसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, देखो उसके ऊपर क्या ही बोलते हैं एमी वे बंटाई। बोलता है ना कि रफ्तार को डिस किया तब एमी वे इस लाइन पे आया। मैंने रफ्तार के मुंह से भी ये सुना है, ऐसा लगता मुझे लोगों के मन में जो भ्रम है ना क्या कि रफ्तार को डिस करके एमी वे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। एमी वे ने जो मेहनत की है उसके दम पे की है ना। एक्चुअली मैं भी ये चीज सुना हूँ, बट लेकिन वो बहुत कम लोग बोलते हैं। लाइक जो जलते हैं, जो परेशान है, छोटी गिनती में, बाकी अपने को प्यार करने वाले बहुत है। बस आप लोग जानते हो और अपने लोग प्यार करते हैं। मैं यही बोलूंगा, सब अपनी जगह सही है। बंटा है उसको, इसको देख के आगे नहीं गया। बंटा ने जो किया खुद के दम पे किया। आग से मतलब तुमको उंगली सामने वाले ने की थी इसलिए आपने डिस किया, बराबर? आपने खुद से तो नहीं किया। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत प्यार देते हो, आप लोग बहुत प्यार। बात खत्म हो गई है, पहले की बात है। बंटा है खुद के दम पे आए ले और बंटा की पब्लिक के दम से आए ले, बंटा की पब्लिक के प्यार से आए ले। अपन पहले से मचा ले, अपने गाने बहुत पहले से फैल रहे ले, अपन पहले से एरिया में फेमस थे, ये बात सबको मालूम ही थे। और हर जगह तक यही बोलेंगे भाई, जो कि अपन किए अपने। डिवाइन के बारे में आपका क्या कहना है? सब भाई अपने डिवाइन, और मैं वही बोल रहा हूँ कि सब प्यार है, सबसे प्यार है, अभी कुछ शॉर्ट नहीं है, सबको ना, सब अपने रास्ते में अच्छे। आई नो मेरी फैंस बुरा मान जाते इस बात से कि कोई ये बात उठाता है कि एमवे डिस के बाद ये उठा। मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया कि डिस के बाद सबको हाइप मिला, सबको एक्सपोजर मिला, हिप हॉप को एक्सपोजर मिला, और उसके पहले से ही लोग जानते थे अपन पहले से फेमस है बाबा, अपनी पब्लिक जानती है। तो मेरे जो जेन्युइन ट्रू फैंस है उन लोगों का गुस्सा है उन लोग के खिलाफ जो लोग बोलते हैं बंटा डिस के बाद आगे बढ़ा, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जो अगली स्टोरी आ रही है वो है बीबी की वाइंस की तरफ से। अब बीबी की वाइंस का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। यहाँ पे इनका एक फैन लखनऊ में एक फूड स्टॉल खोल देता है बीबी के वाइंस की थीम रिलेटेड, एंड देखो यहाँ पे उसके ऊपर क्या ही बोलते हैं बीबी के वाइंस। एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। लखनऊ के गोमती नगर एरिया में, उसके पास या गोमती नगर में ही किसी ने फूड ट्यूब करके अपना एक स्टॉल खोला है, फूड वैन खोली है, जो डेडिकेटेड है बीबी की वाइंस को। तो मुझे आज ही उसका वीडियो आया कि वो लोगों ने पूरा वो फूड वैन बीबी की वाइंस के थीम के अराउंड किया हुआ है। एंड क्योंकि कोविड है और मैं जा नहीं सकता, तो अगर आप लोग लखनऊ में हैं तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो जाइए वहाँ, उनका खाना टेस्ट कीजिए और मेरा प्यार उन तक पहुँचाइए। तो जब मेरा चक्कर लगेगा मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, लेकिन अगर आप आसपास से हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। एड्रेस आपको इस टैग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उन तक मेरा प्यार पहुँचाइए और वैसे भी आसपास सभी को प्यार पहुँचाइए, प्यार कीजिए। यार चलो बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जो अगली स्टोरी आ रही है वो एक बेसिकली एक स्टोरी नहीं, एक थॉट है जो अमित भड़ाना के दिल में आता है एंड वो शेयर करते हैं, एंड मुझे भी वो काफी ज्यादा सही लगा इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। देखो क्या ही था थॉट और तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। कल रात में लेटे ना एक बात सोच रहा था कि हम सबकी ना एक एक कहानी चल रही है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी चल रही है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई सोच रहा है कि अपना टाइम कब आएगा, कोई दूसरे को देखकर सोच रहा है यार इसने तो कर लिया मैं कब करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि हमें ना एक दिन में एक बार अपने दोस्त
भाई बहन फैमिली मेंबर या रिलेटिव कोई भी जिसके भी आप क्लोज हो या जिससे आपकी ज्यादा बात होती है, हमें उसे एक बार ना ये बोल देना चाहिए कि यार तू आज अच्छा लग रहा है, यार तेरे में कुछ एक अलग बात है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हमारी एक बात ना ये उसको अलग लेवल पे मोटिवेट कर सकती है। हमें लगता है ऐसा कि नहीं करेगी, अरे हमारी बात कहाँ सुने गए, लेकिन करती है। 24 घंटे में से पता नहीं वो कितने घंटे परेशान है, लेकिन एक स्माइल आ जाएगी जब आप ऐसी कोई बात बोलोगे, करके देखना। तो यार आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताना कमेंट से। फिलहाल बढ़ते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। आप जो पहली अचीवमेंट आ रही है वो है टोटल गेमिंग की तरफ से, एंड टोटल गेमिंग ने यहाँ पे कर लिए 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, एंड यहाँ पे सीधा हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। एंड बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जो अगली स्टोरी आ रही है मुंबई का निखिल की तरफ से। अब तुम लोगों को बताइए कि ये वाला वीक मुंबई का निखिल के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा शादियां हुई थी उनकी बार बार, एंड इसी वजह से इनका काफी जो व्लॉग था वो बहुत हाइप हो गया था, एंड यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पूरा इनका भरा हुआ था लगातार, जो कि पहले चार स्पॉट से मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों यहाँ पे मुंबई का निखिल एंड सैनी स्टेशन ने कब्जा कर रखा था, एंड इसलिए भी हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और बढ़ते आखिरी स्टोरी की तरफ, एंड जो आखिरी स्टोरी आ रही है वो एमी वे बंटाई की तरफ से। एमी वे बंटाई का जो गाना था वो फाइनली 200 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज के साथ यहाँ पे छा चुका है, एंड इसी को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे इंस्टाग्राम में एमी वे बंटाई पोस्ट डालते हैं। हाँ तो वीडियो देख लिया तो यार पसंद आई होगी, और पसंद आई तो सीरीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और यार खल मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय, शबा खैर।